अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीम खान है और मैंने वैसे कभी भी किसी किस्म का गार्डन का कोई एक्सपीरियंस लिया नहीं, और अचानक से कुछ हमें घर शिफ्ट करना पड़ा और हमें थोड़ा बहुत छत पे एरिया मिला, तो हमने कहा अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे जो शौक़ हैं उनको पूरा किया जाए। तो हमने कुछ इन ट्रेस से स्टार्ट किया और उसके करने के बाद जो है ये छोटे छोटे फिर हमने ये सीड्स लगाए। ये ज़्यादातर सनफ्लावर्स हैं, ठीक है। ये धनिया लगा है, ये हरी मिर्च है, अगर आप देखें ये हरी मिर्च है, और हाँ ये तुख्मे रिहान है जो पौधे लगे हुए हैं। इसके अलावा जो है ये टमाटर है, टमाटर लगा है, ये भी टमाटर है, ये भिंडी है, ये भी टमाटर है, और ये एलोवेरा है, और ये भी कैक्टसेस हैं। ये सारे कैक्टस नहीं हैं, उनमें से कुछ कैक्टस हैं, लेकिन जो असल चीज़ मैं आपको दिखानी है वो है ये लोटस, यानी ये लोटस का सीड है, कमल के फूल का, कमल का जो पौधा होता है जो कि कीचड़ में लगता है। होता ये है कि बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि इसको जो उसका ये वाला हिस्सा है, नोक है, इसको घिसते हैं और फिर इसके बाद पानी में डालते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी भी सीड को घिसना नहीं पड़ा और मैंने उसको पानी में डाला, और उसके बाद जो है इस तरीके से छोटी छोटी उनकी लड़ियाँ निकलना शुरू हुई। फिर मैंने नीचे इसके मट्टी डाली, फिर उसमें पानी डाला, और उसके बाद ही आपके सामने इसका रिज़ल्ट, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब मेरा प्लान इसके अंदर ये है कि मैं इसमें थोड़ी सी मछलियाँ भी ला के डाल दूँ, बड़ा मज़ा आता है इसको बनाने में। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। अब ये छोटे छोटे से ये जो जैसे ये छोटे छोटे से ये अभी पत्ते खुले नहीं हैं, ये नहीं खुला, ये थोड़ा सा अजीब है, ये मुझे नहीं पता ये आधा कटा हुआ क्यों है। बट एक और इसमें बड़े मज़े की चीज़ ये है, मेरी बेटियां जो हैं वो बार बार कहती हैं बाबा ये डूबता नहीं है। अच्छा, वाकई ये डूबता नहीं है, जब आप इसको उंगली लगाते हैं उसको आप डूबो भी नहीं, और ये ऊपर आता है और ऐसा लगता है कि कभी ये भीगा ही नहीं था। आप इसको हाथ लगाएं, आप इसको डुबोएं और वापस हटाएं, आपको ऐसा लगेगा कभी ये डूबा ही नहीं है, मतलब पानी इसके ऊपर बहुत खूबसूरत, अल्लाह की शान है। अच्छा, ये छोटे वाले सनफ्लावर्स हैं।